उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद अब मध्य प्रदेश में भी दोनों पार्टियों के बीच सीटों को लेकर सहमति बन गई है। दोनों पार्टियों के बीच हुई डील के तहत मध्य प्रदेश की एक सीट सपा को दी गई है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को खजुराहो की सीट देने का फैसला कर लिया है। हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के सारे कार्यकर्ता मिल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश को लेकर इंडिया गठबंधन द्वारा घोषित उम्मीदवारों को जिताएंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें आती हैं। यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखा जा रहा है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहाँ की 29 में से 28 सीटें जीती थी। कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट पर सिमट गई थी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के फॉर्मूले पर सहमति बनाई गई। इंडिया गठबंधन के तहत पूरे देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए एवं इस देश के संविधान का सम्मान सुरक्षित रखने के लिए दोनों दलों की राज्य इकाइयों ने गठबंधन की घोषणा कर दी है। यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। दोनों ही पार्टियों के बीच 3 सीटों पर दावेदारी को लेकर पेच फंस गया था। यूपी में कांग्रेस को दी गई सीटें अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर सिकरी, सहारनपुर और मथुरा शामिल है। कुछ सीटों पर फंसा था पेच। इससे एक दिन पहले खबर आई थी कि सपा और कांग्रेस में अलायंस को लेकर पेच फंस गया है। स्थानीय स्तर पर सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही है। सूत्रों का कहना था कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को कांग्रेस मुरादाबाद, बलिया और बिजनौर सीट देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के लिए बलिया सीट पर दांव लगाना चाहती है। वही बलिया को सपा का गढ़ माना जाता है। सपा कांग्रेस फिर साथ साथ। देखिए, ये उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन बहुत ही दूरगामी लक्ष्य को लेकर साथ में आए हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसमें पूर्ण रूप से उद्देश्य है कि एनडीए के प्रत्याशियों को हम पराजित करें और जहां जहां पर भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। 2017 में जब चुनाव हुए तब यूपी की सत्ता में सपा थी और चुनाव के वक्त सपा कांग्रेस में अलायंस हुआ था। उस वक्त चुनाव प्रचार में गठबंधन ने नारा दिया था, यूपी को ये साथ पसंद। तब दोनों ही दलों के नेता यूपी के दो लड़के साथ आने का संदेश देते नजर आए थे। एक बार फिर दोनों ही पार्टियों के बीच अलायंस फाइनल हो गया है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़, इंडिया।